हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज मैंने साड़ी पहना हुआ है, बस ऐसे ही पहन ली हूँ। मतलब घर पे मन कर रहा था और मन तो मतलब करता रहता है कि साड़ी पहनूं, पर गर्मी के समय में ना नहीं संभाला जाता, बहुत ज़्यादा ही गर्मी भी लग रही है। और इसी गर्मी को हम लोग वो करने के लिए, क्या करने के लिए, तो अभी चल रहे हैं हम आम रस बनाने, और आम रस भी बनाने जा रहे हैं, आम की आइसक्रीम भी बना के बताएंगे हम कैसा। आगे वीडियो में बने रहिए। बस चलिए पहले पकाम और कच्चा आम को छांटते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आम को पलट ले रहे हैं, जितने भी पक्के आम हैं निकाल दे रहे हैं और उसका हम लोग बनाएंगे आम रस। ये मम्मी बड़ा भारी है और इसमें धोखा बिल्कुल मत खाना कि जो पीला है वो पका होगा, ऐसा नहीं है कि जो पीला होगा वो पका ही होगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं कि जो पीले नहीं है वो पके भी नहीं है। तो मैं इसमें से जितने भी पके आम है निकाल के तब आप लोगों से बात करती हूँ, छांट लेती हूँ पहले से। तो इतना आम मैं निकाल ली हूँ, इसको पहले ठंडे ठंडे पानी में धो लेती हूँ। करोगे शोर? शांति से नहीं बैठा जा रहा है। तो अभी इसको हम पहले कट करेंगे। तो अभी हम सारे आमों को काट के रख देते हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, आप लोग बस वीडियो को देखो। और मैं एक आम करके दिखा देती हूँ और उसके बाद, क्योंकि जब सारा आम करती रहूँगी तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। उसके बाद ऐसे करके हम जार में डाल देंगे। मेरा थोड़ा बोलने का वो है, आप लोग समझ जाना, बीच बीच में बच जाता है। तो ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं सब लोगों को सिखा रही हूँ, बस ये मेरा ब्लॉग है। क्योंकि आप लोगों को मेरे, मतलब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरे को, हम लोगों को आप कुछ भी बनाया करो तो उसका ब्लॉग दिया करो। और वैसे भी गर्मी में हम कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, घर पे ही पड़े हुए हैं। तो घर पे ही आज संडे था, कल भी हम लोगों ने आम रस बना के खाया और पिया था, आइसक्रीम बनाई थी मैं और आम रस भी बनाए थे। तो कल वीडियो नहीं बनाई, पर आज हम लोगों ने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तो आज वीडियो बना रही हूँ और उसी में एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो सारे आमों को हम ऐसे ही इसमें डाल देते हैं। तो अभी इसमें हम मीठा होने के लिए चीनी डाल देंगे अपने हिसाब से, जितना आपको मीठा चाहिए। आम थोड़ा मीठा रहता है, बस ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। और देखो देखो, हमें तो नहीं पता कि दूध डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, लेकिन हमने कल बनाया था ना कि दूध डाला था, बस आम और चीनी दूध डाल के बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। ये है कि आपको आइसक्रीम बनाना है तो दूध डाल सकते हो आप, अगर आपको आम रस ही पीना है तो आप इसमें पानी या बर्फ डाल के बना सकते हो। मैं दूध डालूंगी। और इसमें डाल दे रही हूँ मैं बर्फ। अब सामने से खाते हो ना, पास में ना, तो इसमें अब बर्फ डाल दे रही हूँ मैं, सारा बर्फ डाल दे रही हूँ, बस हो गया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, तो क्या बोलते हैं सुना, तो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं बोलो ना, क्या, मिक्सिंग मिक्सर। हाँ, तो अभी हम इसको पीसेंगे, मतलब मिक्स करेंगे अच्छे से। तो चलिए मिक्स, ओ ये तो मेरे हस्बैंड नहीं करेंगे, चलो जी इसको पीसने के बाद मिलते हैं। हो गया है। तो देखिए थोड़े जाइए, तो देखिए अगर आपको आइसक्रीम बनाना है तो दूध और आम और चीनी के डाल के बाद में आप एक ट्रे में अच्छे से रख के फ्रीजर में रख सकते हो ना। मैं रखी हूँ, मैं कल ही बना के रखती थी, क्योंकि अगर आप रखोगे तो आपको 8 घंटा 11 घंटा 12 घंटा पूरा रखना पड़ता है। तो कल मैं बना के रख दी थी ताकि आज मैं दिखाऊँ, अगर आज मैं बना के रखती तो मेरे को कल दिखाना पड़ता, कल भी वीडियो शूट करना पड़ता। तो और आपको आम रस बनाना है तो मैं सिखा नहीं रही, मतलब मैं बता रही हूँ बस। और आपको मतलब बर्फ बर्फ नहीं डालना है, बर्फ डालने से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ये बना है थोड़ा पतला, आपको आइसक्रीम बनाना है तो आपको बनाना होगा थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा आइसक्रीम बनाने के लिए। और देखो मेरे पास टूटी फ्रूटी नहीं है, तो हमारे पास, मैंने बोला था कि टूटी फ्रूटी नहीं है, मेरे को रंग बिरंगी बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे पास था ड्राई फ्रूट था, काजू बादाम, हम लोगों ने काट लिया है। और इसको हम ऐसे ही ज़्यादा नहीं डालते, तो ये बन गया हमारा आम रस ना। तो अभी हम डाल रहे हैं आम रस, ये थोड़ा ऐसा है कि आप दूध मिलाए हो इसलिए थोड़ा पीलापन कम लग रहा है, थोड़ा वाइट में लग रहा है। तो अभी हम लोग पीने जा रहे हैं, जैसे अभी अच्छा बना है, मीठा कम है
गर्मी में घर पे आम है तो आम पिए, बाहर वाला बिल्कुल ना पिए क्योंकि बाहर वाले में क्या रहता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है पर वो उसमें कलर मिलाया रहता है, केमिकल मिलाया रहता है, वो सब मत पिए घर पे। और ये मैंने कितने तीन आम का बनाया ना, तीन आम का ना, ये तीन ही आम का बना है। और अभी मैं दिखाती हूँ मेरा आइसक्रीम जो मैंने कल बना के रखा था, तो आ जाइए दिखाती हूँ मैं। तो मैंने कल ही फ्रीजर में रख दिया था और तो ये देख सकते हैं मेरा, तो ये हमारा आइसक्रीम है जो कि इसमें हम लोगों ने वैसे ही सेम दूध मिला के डाल के, थोड़ा मोटा था थोड़ा ठीक था, और ट्रे में डाल दिया था और उसके बाद ऊपर से काजू बादाम मतलब डाल दिया था थोड़ा देखने के लिए, थोड़ा देखने में अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ा सा आम को पीसे पीसेस में काट के ऊपर से रख दिए थे तो अच्छा लग रहा है। तो देखती हूँ, पहली बार बनाई हूँ, कुछ खराबी भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। और इसको निकालती हूँ मैं, देखती हूँ खाने में कैसा लगता है। पहले तुम ट्राई करना ना सुना। आज सुबह से ही ये मेरे आइसक्रीम के पीछे पड़े हुए हैं कि कब निकाल के खाऊं कब निकाल के खाऊं, तो सबसे पहले आप ही ट्राई करोगे ना, तो खा के बताओ कैसा बना है। नहीं पहले मैं निकाल लेती हूं, मेरा चम्मच गिर गया, तुम्हारा चम्मच मैं दे दो, रुक जाओ मैं खा के बताती हूं। बहुत ही अच्छा बना है। और एक बात बताऊं, मैं ये जो काट के आम में बाद में डाल दी थी ना, उसका फ्लेवर थोड़ा खट्टा खट्टा सा मुंह में आ रहा है ना, एक बार बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने पहली बार बनाया बहुत ही अच्छा बना है, और मैं दोबारा फिर से बनाऊंगी इसको आम के समय में, जब तक आम का समय रहेगा मैं बना बना के खाती रहूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और गर्मी का समय है और घर पे ही आम रस बना के पिए, बाहर का आम रस ना पिए क्योंकि बाहर के आम रस में मैंने ये देख चुका है कि कलर मिलाया रहता है और थोड़ा अजीब ही लगता है, घर का आम रस बहुत ही अच्छा रहता है। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि रोज़ व्लॉग लेके आया करो, तो रोज़ मैं वीडियो नहीं ला पाती, अभी गर्मी के समय में क्या है कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे ही इतना गर्मी लगता है और बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है, बाहर हम घूमने टहलने नहीं जा रहे हैं तो बाहर का व्लॉग भी नहीं आ रहा है, तो घर पे ही आज संडे था व्लॉग बना लिए। तो हर संडे ऐसा चाहूँगी किसी ना किसी चीज़ का व्लॉग लेके आती रहूँगी, और आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और आजकल मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है उतना अच्छे से, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, शॉर्ट वीडियो भी नहीं अच्छे से बना पा रही हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है कि टाइम ही मतलब अजीब सा ही लगता है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है, बस समझ लो बरसात आ जाएगा तो वीडियो अच्छे से बनाऊँगी मैं, बारिश के समय में ठंडा मौसम रहेगा। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।